बड़ौदा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है। हर वर्ष नई कार्यकारिणी बनती है एक कार्यकाल के बाद, और उसका शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसका कार्यक्रम है। और वैसे तो ये बेलगंज आगरा का बिजली का बहुत बड़ा केंद्र है, और बहुत बड़ा काम आगरा को इन्होंने दिया है कि आगरा के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बेलगंज में सभी दुकानदार एक मत से एक साथ मिलकर रहते हैं, और चुनाव भी सब लोग मिलकर ही करते हैं। बहुत अच्छा काम, समाज सेवा का भी काम करते हैं, और इनके हर कार्यक्रम में मुझे जाने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। मैं जो पदाधिकारी बने हैं उनको बधाई देता हूं और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामना भी देता हूं। मात्र वे सभा भवन में आगरा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन के नवीन कार्यकारिणी जो गठित की गई है उसके पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। और निश्चित तौर पर ये आगरा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और हर तरह का इलेक्ट्रिक का पुर्जा, इलेक्ट्रिक का सामान सब आगरा में मिलने लगा है, और आगरा में एक नया उद्योग विकसित किया है। और विशेषकर बेलगंज में जैसे आप जानते हैं डीजल इंजन पंपिंग सेट का काम कम हुआ, तो अब वो पूरा मार्केट इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि व्यापार को एक नई दिशा दे दी आगरा की, नई व्यापार को। और जैसा मेरे को समाचार मिलता है यहाँ के व्यापारी 300-400-500 किलोमीटर तक सामान भेजते हैं। इसका मतलब ये गुडविल है, एक अच्छा व्यापार करने का तरीका है, स्वच्छता है, ईमानदारी व्यवस्थित है। उसमें भी इस पूरी एसोसिएशन को और नवीन पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मुकेश गुप्ता, आगरा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ये नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी हुई अभी चुनी गई है, उसका आज शपथ ग्रहण समारोह है। इसमें सभी लोगों का पूरा सहयोग है, जॉइंट कमिश्नर गेट वन, GST विभाग, हमारे लोकप्रिय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, राज्य मंत्री श्री राकेश गर्ग जी, और जॉइंट कमिश्नर वर्मा जी, ये सभी आज हमारे अतिथि हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह कराया है और सभी को बधाइयाँ दी है। अब आगे की कार्रवाई हम इनसे सब मिलकर मीटिंगें करेंगे और इनके साथ मिलकर चलेंगे।